अस्सलाम वालेकुम। मजमून खेले करे सीखे में हम सबक पढ़ रहे हैं दिगर शोबे, जिसमें हिस्सा सुवम में हम पढ़ेंगे आमदोरफ्त के उसूल। अगर कोई इंसान, कोई आदमी अगर गाड़ी चलाता है रोड पे या किसी रास्ते पे, तो उस रास्ते के उसूल और कवानीन उसके लिए सीखना लाजमी है। कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ पे उसको उसकी गाड़ी की स्पीड कम चलानी है, ये सब उसूल सीखना लाजमी है और ज़रूरी है। इसी तरीके से रोड के रास्ते के दाएं हाथ की जानिब जो निशानात होते हैं, या तो ऊपर की जानिब जैसे कोई फ्लाईओवर होता है या फिर कोई फ्लैक्स होता है, उसके ऊपर जो निशानात होते हैं, वो निशानात ये जाहिर करते हैं कि आपको गाड़ी किस तरीके से चलाना है। वो निशानात की तीन किस्में हैं, कौन कौन सी? एक तो लाजमी निशानात, जिसे कहेंगे इंग्लिश में मैंडेटरी रोड साइंस, जो कि लाजमी होते हैं। जैसे अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं और वहां लिखा हुआ है कि स्पीड आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ही रखना है, तो आपको वो लाजमी है कि उतनी स्पीड से आप गाड़ी चलाएं। दूसरा है कि दूसरा निशान है इंफॉर्मेटिव, यानी वो निशानात आपको मालूम देते हैं कि आपको दाएं जाना है, आपको बाएं जाना है, आपको यहाँ से चढ़ान आने वाला है, यहाँ पे आपको स्पीड कम करना है। ये होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटर रोड साइंस, यानी कि ये आपको मालूम देते हैं। तीसरी किस्म है कॉशनरी रोड साइंस, यानी एहतियाती, आपको वो याद दिलाते हैं कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आगे ब्रेकर है या फिर कुछ ज़्यादा लंबा रास्ता घाट वाला है, आपको आहिस्ता गाड़ी चलाना है, आपको गाड़ी चलाते वक्त स्पीड कितनी रखना है, आपको गाड़ी के बाहर नहीं निकलना है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से लाजमी एहतियाती और मालूमाती निशानात होते हैं जो कि आमदोरफ्त के उसूल कहलाते हैं। इसलिए हमें ख़ास तौर से बच्चों, जब हम स्कूल जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें रास्ते पर रास्ते को क्रॉस करते वक्त ध्यान देना चाहिए, गाड़ियों का ध्यान रखना चाहिए, सिग्नल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो रखेंगे सब लोग? वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया।